तो दोस्तों, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का जो प्रीव्यू आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और साथ ही साथ प्रीव्यू के साथ साथ बहुत कुछ सामने आ रहा है। सामने आ रही है दो चीज़, एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन। एंडिंग का वीडियो आपने देख लिया कि एंडिंग क्या होती है। एंडिंग में स्पाइडरमैन दूसरे मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है मिस्टीरियो की वजह से। अब मिस्टीरियो यहाँ पे इवल है एज यूजुअल, क्योंकि मिस्टीरियो कॉमिक्स में बहुत बड़ा विलन है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पोस्ट क्रेडिट सीन एंडिंग से भी ज़्यादा शॉकिंग है। अब इसमें दो पोस्ट क्रेडिट सीन है। सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की हम लोग बात करें तो हम लोग को दिखाई देते हैं निक फ्यूरी और मारिया हिल। ये दोनों अपने शील्ड के हैली कैरियर में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और ये लोग अकेले थे, यानी इनके आसपास कोई भी शील्ड एजेंट नहीं थे। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि निक फ्यूरी और मारिया हिल का अपीयरेंस चेंज हो रहा है और अचानक धीमे धीमे ये लोग स्कर्ल का रूप ले लेते हैं। यानी यहाँ पे स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मूवी, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के स्टार्टिंग से ही निक फ्यूरी और मारिया हिल वहाँ पे थे ही नहीं, बल्कि दो स्कर्ल्स थे जो निक फ्यूरी और मारिया हिल की जगह लिए थे। यानी इससे दो चीज़ सामने आती है, निक फ्यूरी और मारिया हिल कहीं और है, इनका कुछ पता होता नहीं है, और दूसरी स्कर्ल्स शील्ड के साथ काम कर रहे, इसलिए निक फ्यूरी और मारिया हिल के एज अ बैकअप के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे थे। यानी जब निक फ्यूरी और मारिया हिल किसी सीक्रेट मिशन पर जाए तो स्कर्ल्स इनकी जगह ले, इनकी साथ इनकी सहमति से। तो ये भी हो सकता है क्योंकि कैप्टन मार्वल मूवी में हमने देखा है कि स्कर्ल्स अच्छे लोग हैं, स्कर्ल्स बुरे नहीं है। तो हो सकता है स्कर्ल्स अब शील्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ पे निक फ्यूरी और मारिया हिल की जगह ले ली ताकि वो लोग स्पाइडरमैन को गाइड कर सके। और इसका छोटा सा ईस्टर एग या छोटा सा रेफरेंस तब हमें देखने को मिला जब स्पाइडरमैन ने निक फ्यूरी से टीजर में पूछा था कि व्हाट अबाउट कैप्टन मार्वल, तो निक फ्यूरी ने कहा डोंट इन्वॉल्व हर नेम, यानी उसका नाम मतलब, यानी निक फ्यूरी कहीं ना कहीं वो वाले निक फ्यूरी नहीं जिनको हम लोग जानते हैं, बल्कि वो स्क्रल्स हैं और मारिया हिल भी उनके साथ एक फीमेल स्क्रल है। अब ये कितने ज़्यादा सही है तो पोस्ट क्रेडिट सीन जब हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे तब पता चलेगा। अब दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये एक बिल्डिंग में हो रहा है जहाँ पे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर बैठे हैं और एक आदमी अपने कमरे में स्पाइडरमैन की बुराई कर रहा है कि मैं स्पाइडरमैन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, पता नहीं वो कैसा आदमी है। और ये बंदा कौन है, ये जे जॉनर जेमसन है और ये वही एक्टर है जो एक्टर पोर्ट्रेट किया था अपना रोल स्पाइडरमैन 1, 2, 3 फ्रेंचाइजी में। यानी हमें वही पुराने जे जॉनर जेमसन मिलेंगे जो कि पिछले पुरानी स्पाइडरमैन मूवी में, और ये अपना रोल फिर से रिप्राइज किए हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। दोस्तों, इनको देखना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई इनको देख के, क्योंकि ये अपना रोल फिर से निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारा फन और बहुत सारा एडवेंचर देखने को मिलेगा हमें आने वाली स्पाइडरमैन मूवी के इंस्टॉलमेंट में। ये सारे जो पोस्ट क्रेडिट सीन आए हैं ये कुछ हद तक सही भी हो सकते हैं और ये फैन फिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने एंडिंग के बारे में बताया था और पोस्ट क्रेडिट सीन के मैं बारे में बता ही रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ फैन फिक्शन भी हो सकती है। तो इसे 100% करेक्ट ना मानिए, एक हफ्ते दो हफ्ते की बात और जब पूरी मूवी आ जाए तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि इसकी एंडिंग एक्चुअल में क्या थी, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन क्या था। वैसे सब इन्फॉर्मेशन दे रहे तो मेरा भी फर्ज बनता है मेरे चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे टाइम टू टाइम सुपर हीरो कंटेंट की। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कॉमिक बुक टॉक्स की तरफ से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट्स की गिव अवे हो रहे हैं। गिव अवे में पार्ट लेने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट सुपर हीरोज का नाम कमेंट करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के मूवी टिकट जीतना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कॉमिक बुक टॉक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।